आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने जोशीमठ के ताज़ा हालातों के मद्देनज़र प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम जानकारियां साझा की हैं। आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के प्रभावित परिवारों को फौरी तौर से 1.5 लाख की धनराशि अंतरिम सहायता के रूप में दी जा रही है ताकि कुछ जो राहत है वो लोगों को मिल सकें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने यह भी बताया कि जेपी कॉलोनी में हो रहा पानी का रिसाव काफ़ी हद तक कम हुआ है। हालांकि आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने इस बीच वाटर सिग्नेचर मिलान की रिपोर्ट का जिक्र नहीं किया है। इसके अलावा जोशीमठ आपदा से प्रभावित परिवारों को राज्य सरकार की तरफ से 5,000 रुपये की धनराशि प्रति परिवार को राशन लेने के लिए मुहैया कराई गई है। बता दें कि अभी तक ये धनराशि कुल 73 परिवारों को मुहैया कराई गई है। गौरतलब है कि शासन स्तर से 45 करोड़ की धनराशि जारी की गई है। हालांकि इससे पहले आपदा राहत कोष से जोशीमठ के लिए 11 करोड़ रुपये पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हम SDRF से आपदा राहत कोष से हम 11 करोड़ पहले ही रिलीज कर चुके हैं जनपद को। जो अलकनंदा नदी के किनारे टो इरोजन हो रहा है उसके लिए हम EPC मोड में तत्काल वेबपोस्ट को कार्यदायी संस्था बना रहे हैं ताकि वो उस संबंध में भी कार्रवाई शुरू कर दें। इसके अतिरिक्त आपको पता ही होगा कि ड्रेनेज प्लान तैयार करने के लिए इरीगेशन को पहले ही अनुमति दी जा चुकी थी और उनके द्वारा टेंडर भी किया जा चुका है और 13 तारीख को टेंडर खूब खुल रहा है। लाइकवाइज जो सीवर सिस्टम है उसको ठीक करने के लिए तत्काल पेयजल विभाग को निर्देशित किया गया, उनके द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है।